हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बेस्ड है करंट अफेयर्स पे, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में क्या बात करी। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं, और जबकि इंडिया है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छा काम कर रही है, कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। बट आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 10.5% के आसपास, 11% के आसपास होगी। तो और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया है वो लगभग 2.5% दिया है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया में पीस होना चाहिए, और मेरा जो मानना है कि इंडिया को जो कंपैरिजन है मुझे पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, ना तो हमें किसी को करना चाहिए। हमारा जो कंपैरिजन है वो चाइना से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी इस टाइम $3 trillion है, ठीक है, और चाइना का जो जीडीपी है लगभग $15 trillion है। तो उसमें जो आप गैप है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना चाहिए, चाइना को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए कि हम चाइना से कैसे आगे जा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है। दोस्तों, में मुझे कहा था कि ताहिर जी मैं आपको बता देता हूँ कि चीनी फौजें वापस चली जाएंगी। आज हमने ये खबर सुनी कि अल्टीमेटली बहुत सारे जो राउंड्स चले मीटिंग्स के दोनों तरफ, उसके बाद चीन ने भी पीछे हटने की ना सिर्फ हामी भरी बल्कि हटना शुरू भी कर दिया। मेजर गौरव आर्या जी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, और आज फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई। मैं आप ही की प्रिडिक्शन जो है वो एक तरह से रिकॉल कर रहा था और व्यूअर्स को बता रहा था। मैंने कहा आप ही के ये शब्द थे, आज आप ही के शब्दों में हम सुनते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपनी शो पे। ताहिर साहब, ऐसा हुआ है कि डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, और चाइनीज आर्मी काफी टाइम से, जो मैंने भी अपने फौजी सीनियर से बात करी, दोस्तों से बात करी, उन्होंने यही बात बताई कि किसी ना किसी तरीके से चाइनीज आर्मी काफी महीनों से चाह रही थी कि ये वापस चली जाए, लेकिन इनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी। अब जाके इनको ओपनिंग मिली है। सेविंग फेस वाली बात हो रही है, जहां तक चाइना चाहती है कि किसी तरीके से बिना बेइज्जती के अपनी इज्जत ठीक रख के, कायम रख के चाइना चुपचाप से निकल जाए, और यही चीज चाइना ने अब ये करी है कि प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन, जब चाइना ने फॉरवर्ड पोस्चर लिया था, फिर हमें मजबूरन लेना पड़ा, तो उस पोजीशन पे ताहिर साहब ये लोग जाने की बात कर रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि पूरी मूवमेंट हो जाएगी, और चाइना ने पीछे हटना, उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स थे वो पीछे मूव करना शुरू करके, उनके इमेजेस भी आई थी टेलीविजन पे, और चाइनीज पीछे हट गए हैं ताहिर साहब अभी, और कुछ 48 घंटे के बाद वो पूरा बैकवर्ड मूवमेंट चाइना का खत्म हो। वो चाइना चाह भी रहा था, इनके बस का नहीं है ये। मैं बार बार लोग कह रहा था कि लोगों से मेरे कुछ जो पाकिस्तान में हैं दोस्त मेरे सहाफी, उनसे भी बात चली, तो उन्होंने बोला नहीं साहब, बड़ा तगड़ा पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, मिलिट्री सुपर पावर है, ये है वो है। तो मैंने बोला देखिए साहब, ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, हाई ऑल्टीट्यूड, ये 16,000-17,000 फुट, दे माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट सुपर पावर्स। अफगानिस्तान के माउंटेन्स ने सर सोवियत रशिया को रिस्पेक्ट नहीं करा सर, ये बात सच है। माउंटेन्स डोंट रिस्पेक्ट, आप उन पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में चाइनीज आए हैं या सामने से आने की उन्होंने कोशिश करी है, वहां पे चाइनीज 1 million अपनी आर्मी डाल दें, वो पहाड़ फिर भी 1 million लोगों को, 10 lakh लोगों को खा जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा वो लोग कहाँ गए। माउंटेन्स ईट मैन, हम लोग फौज में, हमें सिखाया जाता है कि माउंटेन्स ईट मैन, और आज वो मजबूर हो गए वापस जाने के लिए, बिकॉज वो विंटर, मुझे लगता है एक तो विंटर नहीं झेल पाए, बहुत बड़ी बात है, और दूसरी चीज है ताहिर साहब कि मुझे लगता है कि जो उनको इंडियन आर्मी से एक वो एक उनके मन में एक जिसको कहते हैं गलत फहमी थी कि वो आएंगे साहब, थोड़ा सा आंखें वाखें अपनी दिखाएंगे, थोड़ा सा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना डोले छोले, थोड़ा सा दिखाएंगे तो फिर वो इंडियन आर्मी डर के कांप के पीछे भाग जाएगी। अब वो हुआ नहीं, कोई कांपा वापा नहीं, कोई भागा नहीं, सो चाइनीज वर कंफ्यूज्ड कि भाई चाइनीज आ गए, तो शेर आया, तो इन्होंने बोला शेर आया तो ठीक है देख लेंगे, जब शेर आएगा तो अब पता लगा कि शेर बिल्ली था, शेर को ठंड लगी, -40, -50 degrees में, शेर की आदत नहीं थी रहने की, ऑब्वियसली द ड्रैगन वॉज नॉट यूज टू दिस टेम्परेचर। ये लोग तो पीछे साथ टिबेटन प्लेटू में इनके मैकेनाइज फॉर्मेशन है, दे आर नॉट यूज टू, हमारे तो जवान 1984 के बाद सियाचिन में है सब,
-60 -70 डिग्रीज में 21,000 फुट की ऊंचाई में हमारे जवान लगातार पिछले 30 साल से रहते हुए आए हैं, तो उनको उनका एक अलग लेवल है माउंटेन वॉरफेयर का, जो एक्लेमेटाइजेशन का एक अलग लेवल है। चाइनीज वर नॉट यूज्ड टू इट, तो अब चाइनीज वापस चले गए। अब तो देखिए बात यह है कि क्या चाइनीज अपने आप को टेस्ट कर रहे थे या भारत को टेस्ट कर रहे थे या दोनों कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे? ताहिर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो तीन, जिसको पंट कहते हैं ना अंग्रेजी में, उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने बोला जुआ देखते हैं क्या होता है। उनको यह था कि हो सकता है ट्रंप वापस आए, हो सकता है ना आए, उनको लग रहा था कि ट्रंप वापस आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना। अगर ट्रंप आता है और यहां पे इस साइड पे तवज्जो, प्रेशर कुकर वाला प्रिंसिपल है ताहिर साहब कि प्रेशर कुकर में प्रेशर हो जाता तो फिर सीटियां बजती हैं उसकी, प्रेशर कुकर की। तो वही देखिए बात यह थी कि उन्होंने सोचा कि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी क्वाड वहां पे एक्टिव हो रहा था, पिछले दो तीन साल से वो बात चल रही है क्वाड की, उनकी ट्रेडिंग लाइंस है वहां से, 50-60% ट्रेड उनका जाता ही है वहां से, मलाका स्ट्रेट और साउथ चाइना सी से। दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू पास अ मैसेज टू द वर्ल्ड इन पोस्ट कोविड, जब चाइना के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि कोविड एक तो चाइना की तरफ से आया, ऊपर से अमेरिका का चेंज्ड पोस्चर, जो अमेरिका जो चाइना के वेस्ट से, अगर मैं बोलूं चाइना के वेस्ट से ईस्ट की तरफ तवज्जो जो अमेरिका दे रहा था, पूरा एक जियो स्ट्रेटेजिक जो एक जिसको कहते हैं कि कहानी बन रही थी, तो चाइना ने उसके रिएक्शन में सिक्किम में नहीं करा ताहिर साहब, अरुणाचल में नहीं करा, उत्तराखंड में नहीं करा, हिमाचल में नहीं करा, उसने जबरदस्ती लद्दाख में करा। और लद्दाख में इसलिए करा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि कल अगर इंडियन आर्मी डरती है और आगे एडवांटेज प्रेस करना है तो वहीं लद्दाख पे पाकिस्तान आर्मी भी है, तो इंडियन आर्मी को बीच में फंसाया जा सकता है। स्कर्दू वगैरह एक साइड में है उसके, गिलगित बाल्टिस्तान एक साइड में है, दूसरी तरफ उसने बोला कि साहब हम कश्मीर से भी प्रेशर ला सकते हैं और यहां से भी प्रेशर ला सकते हैं, तो दुनिया भर का एक माहौल चाइना ने बनाया। और एक और चीज थी साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगित बाल्टिस्तान से आती है, इंडिया बड़ा प्रेशराइज कर रहा था उस चीज के ऊपर, 370-35 से हट चुका था। तो ये सब चीजें थी जो ट्रिगर थी, जिसने चाइना को ट्रिगर ऑफ करा। एंड चाइना, वही एक एरोगेंस है ना चाइनीज में कि लेट्स टीच दीज पीपल अ लेसन, कि मतलब हम थोड़ा जाएंगे खड़काएंगे तो ये लोग भाग खड़े होंगे, फिर हम बातचीत कर लेंगे इनसे। तो भागा भागा कोई था नहीं, तो नाउ द टेबल्स हैव टर्नड एंड द चाइनीज आर क्लियरली इन द रिट्रीट। तो चाइना ये समझ रहा था कि ये शायद 1962 का भारत है, उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये 2020-2021 का भारत है। क्या ये एक रियलिटी भी है ताहिर साहब? ये एक रियलिटी है, बट इवन इन 1962 मैं आपको बात बताता हूं, मैं आपको छोटी सी कहानी भी सुनाता हूं अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। जी जरूर जरूर। जी ताहिर साहब, ऐसा था कि इवन इन 1962 वो जंग भारत हारी, और ये बात करने में कोई शर्म नहीं है कि हम लोग वो जंग हारे, लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज के घुटने तोड़ दिए थे। चाइनीज को इतनी महंगी पड़ी वो जंग कि एक मेरी रेजिमेंट की एक यूनिट है 13 कुमाऊं, 13th बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट, मेरा ताल्लुक 17 कुमाऊं से है, 17th बटालियन, वो 13 कुमाऊं थी। 13 कुमाऊं जो आजकल जहां पे ईस्ट लद्दाख में हो रहा है, वहां पे एक जगह है रिजांगला, तो रिजांगला के ऊपर वो लड़ाई हुई थी, जहां पे ताहिर साहब 1962 में हुई थी, 18 नवंबर की रात की बात है। और 18 नवंबर की रात को ताहिर साहब 122 हिंदुस्तानी फौजियों ने 3,000 चीनियों से लड़ाई मोल ली थी, दे रिफ्यूज टू विड्रॉ। 122 भारतीय फौजियों ने 3,000 चीनियों से लड़ाई लड़ी और 122 में से 114 एक रात में शहीद हो गए थे, द एंटायर कंपनी वॉज वाइप्ड आउट। तो वो जंग यकीनन हम हारे, लेकिन आप देखिए कि 1300 से 1500 चीनी फौजी मार दिए गए वो एक रात में, ये जो लोग हमारे शहीद हुए थे उन्होंने 1300 से 1500 चीनी फौजी मारे, और उसके 24 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर साइन करा था इंडिया के साथ। तो ये पुश ओवर तो 1962 में भी इंडियन आर्मी नहीं थी, बट इस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि इंडियन आर्मी वॉज बेटर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, मोराल पहले भी हाई था, आज भी हाई है, प्लस एक और चीज है कि अब वो लीडरशिप भी बदल गई है ताहिर साहब इंडिया की। एक जमाने में आप क्रिकेट में भी देखे ना, आपने देखा था एक जमाने में क्रिकेट में इंडिया बड़े मतलब माफी मांगता हुआ हिंदुस्तान था कि सॉरी जेंटलमैन गेम, दिस इज क्रिकेट और इसमें ऐसे नहीं होता है। सौरभ गांगुली ने आके सब कुछ बदल दिया, उसने बोला कि जेंटलमैन तो ठीक है लेकिन वी आर हियर टू विन। फिर उसके बाद धोनी आया,
फिर विराट कोहली आया, एक से बढ़कर एक अग्रेसिव कैप्टन्स। अगर आप जंग को भी छोड़ दें, अगर आप क्रिकेट के मैदान में भी देखें, ये खास किस्म का हिंदुस्तान जो चेंज होके आ रहा है, विच इज अ वेरी अग्रेसिव इंडिया, इट इज अ वेरी अनअपोलोजेटिक इंडिया, जो माफी नहीं मांगता किसी चीज की, जो लगता है ठीक वो करता है। तो ये हर स्फेयर में, इन द फिल्म इंडस्ट्री, इन 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 द फील्ड ऑफ साइंस, यू सी, एक जमाने में हम लोग दुनिया से बड़े अपोलोजेटिक रहते थे कि हम साइंस में ये कर रहे हैं फॉर पीस, ये वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही गेव अस ऑल दोस मिसाइल्स, यू नो, अग्नि, पृथ्वी एंड ऑल दैट, ये सब उनका उनकी उनकी देन है, डॉक्टर कलाम की। इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट थे जो हुए थे, ये उनकी देन है। सो दिस इज अ न्यू इंडिया। चाइना ने कहीं ना कहीं ये अपना जो इक्वेशन था उसमें ये भांप नहीं पाई थी चाइना की, ये नया हिंदुस्तान है और ये बड़ा एग्रेसिव अनअपोलोजेटिक हिंदुस्तान है। ताहिर साहब, आपने अभी पीछे बात की कि उनका ख्याल था कि शायद ट्रंप आ जाएगा, लेकिन ट्रंप नहीं आया, तो उनका ये ख्याल बना कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लीनियंट है, जैसे कहा भी स्टेट सेक्रेटरी ने, जो नए स्टेट सेक्रेटरी हैं टोनी ब्लिंकन ने कहा कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे क्लाइमेट के लेवल पे। लेकिन अभी हमने दो तीन रोज़ पहले देखा कि साउथ चाइना सी में चाइना को फिर टफ टाइम दिया अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी लगता था कि चाइनीज उनको भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका भी एडवांटेज क्या भारत को मिला, या ये अपनी भारत की ही स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से चाइनीज ने डिसएंगेजमेंट का अल्टीमेटली फैसला किया? मुझे लगता है ताहिर साहब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। भारत की स्ट्रेंथ एक फैक्टर है, अमेरिका का प्रेशर एक फैक्टर है, पर अक्सर जैसे मीडिया में बात आ चुकी है तो मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात हमें रिपीट करनी पड़ेगी कि जो बाइडन जो था वो तो वाइस प्रेसिडेंट तो ओबामा का था। ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है और ओबामा के अंडर मैक्सिमम पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, उसने जंगें भी करवाई हैं और वेडिंग पार्टीज, आपने सुना कि हेलफायर मिसाइल मार दी, वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई, इनोसेंट लोगों की, जो मासूम लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ट्रंप सिर्फ बोलता था, ट्रंप ने कभी कुछ करा नहीं, ट्रंप यूज टू स्पीक, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये सब लोग, कंट्री जो थी, चाहे पाकिस्तान थी, चाइना थी, आई थिंक दे गॉट कॉट अप इन अ लॉट ऑफ दैट रेटोरिक। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है वो जो बाइडन लेकर आएंगे, अपना एक डिफरेंट सिग्नेचर होगा ही इनका, जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लेवर जरूर ताहिर साहब लेकर आएंगे अपना। एंड इट विल बी एन एग्रेसिव अमेरिका जो मुंह पे बड़ा प्यार से बोलेगी, मुंह में मिश्री घोलेगी वो अमेरिका, लेकिन जब काम करने पे आएंगे तो वही ड्रोन स्ट्राइक होंगी, वही अग्रेसिव एक्शंस होंगे। ट्रंप का ये था कि ट्रंप ग्राउंड पे कुछ नहीं करता था, बस वो रात को 2 बजे ट्वीट करता था और यू नो कड़वा बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। ओबामा, देखिए, ओबामा वाज द स्वीटेस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैन। ओबामा एक दिन पहले जो अपना उसने ऑपरेशन जेरोनिमो करा था लादन को मारने के लिए, वो बच्चों के स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के, वो पता नहीं लेक्चर वेक्चर कर रहा था, कुछ कर रहा था वो, और रात को ही वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ पोकर, ही वाज एब्सोल्युटली क्वाइट। उसका एक फसाड था, एक अपना एक फेस था ओबामा का, और थरो जेंटलमैन, वो भाग के कहीं से बर्गर खा लेगा, बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलेगा, दिस अंकल ग्रैंडफादरली फादरली फिगर ओबामा का था। लेकिन पीठ पीछे अमेरिकन प्रेसिडेंट था वो, ड्रोन स्ट्राइक भी चलती थी और यू नो सर्ज भी ट्रूप्स का अफगानिस्तान और इराक में चलता था, बॉम्बिंग्स भी चलती थी, और उसने सब कुछ करा है। तो बाइडन कम्स फ्रॉम द ओबामा स्कूल ऑफ थॉट, ये ऊपर से पूरा बात करेगा, जो एक क्लाइमेट चेंज पे भी करेगा, यूनाइटेड नेशंस की भी बात करेगा, WHO की भी बात करेगा, सारे जो इंटरनेशनल इदारे हैं ये सबकी बात करेगा, लेकिन साहब एंड में उसने करना वही है जो अमेरिका के मफाद में हो, जो अमेरिका के मफादात में उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये अमेरिकन डीप स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा और करेगा। देखिए, चाइना को आंखें दिखाएगा, ये पक्की से बात है। देखिए बात गौरव भाई, हम बार बार सुनते हैं कि चाइना उस रीजन में एक बहुत बड़ी थ्रेट है, अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट है। जब हम चाइना कहते हैं तो हमारी मुराद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो उस रीजन में ये भी एक फियर पाया जाता है कि चाइना भारत को बहुत ही टफ टाइम देगा, ये एक इम्प्रेशन है। और साथ ये भी एक इम्प्रेशन है जो खुद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रेटरिक पाया जाता है कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प कर गया, जो कई किलोमीटर से कई हज़ार किलोमीटर तक बताई जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, चाइना ने
यकीनन बात है, जमीन तो हड़पी है भारत की, इसमें कोई शक नहीं है। 1962 वॉर में बहुत ज्यादा जमीन हड़पी है, कितने हजार स्क्वायर किलोमीटर, कोई कहते हैं लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हड़पी है, कोई 50,000, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स। देखिए चाइना तो ताहिर साहब थ्रेट है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। पहली चीज, अब चाइना का किरदार देखिए, जिसको पैसे देता है उसकी जमीन हड़प लेता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, जहां पे चाइना गया है किसी को खुश करके नहीं आया, लोगों की जेबें काट कर आया। दूसरी चीज, जहां तक भारत की बात है, भारत से वो अपने आप को थ्रेटेंड फील करता है, इसलिए वो मिसएडवेंचर करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ये सब करता है कि भारत को किसी तरीके से लाइन पे लाया जाए। और मुझे लगता है कि चाइना का ना एक थोड़ा सा एग्रेसिव इंडिया को होना पड़ेगा। इंडियंस की एक माइंडसेट है, बड़ी डिफेंसिव हम लोगों की माइंडसेट है, और हमारा ये माइंडसेट ये कहता है ताहिर साहब कि अगर हम अच्छे हैं तो फिर दुनिया भी अच्छी होगी। पर दुनिया ऐसे चलती नहीं है, मतलब दुनिया ऐसे चलती नहीं है ताहिर साहब, दुनिया थोड़ा सा डंडे के नोक पे चलती है। अमेरिका ने हमें यही सिखाया, अगर कुछ सिखाया तो, कि दुनिया डंडे के जोर पे चलती है। चाइना अगर अगर भारत चाहता है कि भारत में शांति हो, जहां तक चाइना का सवाल है, तो चाइना के अंदर अशांति फैलानी होगी। चाइना के अंदर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि चाइना अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में उलझा रहे, क्योंकि अगर चाइना इंटरनली स्टेबल हो गया, जैसे कि आज की तारीख में है, अगर हमने उसको अलाउ करा कि चाइना इंटरनली स्टेबल हो, तो दुनिया को अनस्टेबल कर देगा चाइना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इंडिया का। ताहिर साहब, आपने इंडिया में देखा है कि रेड कॉरिडोर है हमारा, जहां पे नक्सल मूवमेंट है, काफी नक्सलाइट्स की मूवमेंट चल रही है, तो वहां पे खून खराबा होता रहता है। कश्मीर में जो हो रहा है, आपसे ढका छुपा नहीं, आपको सब पता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लीजिए ताहिर साहब, फिर आप जैसे पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करी गई, तो ये सब अगर आप इस तनाजुर में इसको देखें और पूरा एक पूरा इकोसिस्टम देखें, तो ये इंडिया को अंदर से वीक करने की एक साजिश है कि इंडिया वीक रहे इंटरनली, क्योंकि जो कंट्री वीक अंदर से है और अपने ही मामलों में उलझी हुई है, रोज अपने ही मसाइल में उलझी हुई है, वो बाहर सुपर पावर कैसे बन सकती है? फिर वो बाहर किस तरीके से अपना पावर दिखा सकती है दूसरे मुल्कों को? नहीं दिखा सकती। इंडिया इज टू बिजी लुकिंग आफ्टर इज ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब चाइना देखिए, छोटी सी चीज होती है, चाइना सहम जाता है। टाइनमेन स्क्वायर की बात हुई, मिड 80s में चाइना सहम गया। हांगकांग में जो चल रहा है, चाइना सहम गया, राइट? फालुनगोंग मूवमेंट थी, चाइना सहम गया। 2003-04 में चाइना में मूवमेंट हुई, चाइना सहम गया। 50s में टिबेटन डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई, फ्रीडम नहीं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, चाइना सहम। चाइना की सबसे जो कमजोर कड़ी है सब, वो है चाइना के अंदर के लोग, क्योंकि चाइना अपने खुद के लोगों से डरता है ताहिर साहब। इट इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट्स ओन पीपल। मैंने शायद पिछली बार भी आपसे डिस्कशन हुआ था, मैंने ये बात बताई थी कि चाइना को किससे डर लगता है? चाइना को ट्विटर से डर लगता है, फेसबुक से डर लगता है, यूट्यूब से डर लगता है, इंस्टाग्राम से डर लगता है। इसलिए आप चाइना के अंदर जाएंगे, ये सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं, अपने लोगों को चाइना अलाउ नहीं करता, राइट? और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दसियों बार चाइना जा चुका हूं, और एक अजीब खौफ का माहौल है चाइनीज सिटीजन में। तो एक डील उन्होंने करी है ना अपने सिटीजन के, कि हम आपको जिसको कहते हैं माली तरक्की होती है ना, जो उसको आपको इकोनॉमिक, हम आपको यू नो तरक्की देंगे, आपकी जेबों में डॉलर होंगे, पैसे होंगे, लेकिन आपके पास कोई हकूक नहीं होंगे, आपके पास राइट्स नहीं होंगे, आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। तो डील है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अपने लोगों के साथ। तो ये चाइना की एक जिसको कहते हैं कि शाहरग है, जो चाइना की जगलर वेन है, अगर इसको दबाया जाएगा तो चाइना से चीख निकलेगी। और चाइना को जो कहते हैं ना कि हम चाइना को ताइवान को वेपन्स दे देंगे, इससे चाइना नहीं घबराने वाला। चाइना को अंदर से जाके उसकी दरारें कहां पे हैं उसका फायदा उठाएंगे, जब वहां पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जाएगी। चाइना में डेमोक्रेसी की जो मूवमेंट्स हैं, और कई सौ डेमोक्रेसी की मूवमेंट्स हैं जिसको चाइना दबाता है, वहां पे उइगर मुसलमान है जो चाइना से बड़े परेशान है, ये सब चीजें अगर हम करते हैं चाइना के साथ और चाइना को अंदर से खड़काते हैं, तब जाके चाइना लाइन पे आएगा। वरना ये जो एलएसी की आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, आपने जो भी बात करी एलएसी में चाइना क्या कर रहा है, ये क्या, ये कोई गारंटी थोड़ा ना है कि अगले साल ये नहीं करेगा, ये हर साल करेगा चाइना। ये चाइना कभी नहीं रुकेगा, जब तक आप चाइना को फिजिकली नहीं रोकेंगे चाइना नहीं रुकेगा। और चाइना तभी फिजिकली रुकेगा जब चाइना को आप अंदर से कमजोर करें, और अंदर कमजोर कैसे करेंगे, डेमोक्रेसी के थ्रू। आपने कहा कि जब तक चीन के अंदर खड़ाक नहीं होगा, चीन नहीं समझेगा, चीन नहीं बदलेगा, लेकिन वो खड़ाक कम्युनिस्ट रजीम में मुश्किल भी है और मुमकिन भी है। मुमकिन इसलिए कि हमें उनके अंदर जो एक अनरेस्ट है आइडियोलॉजी के लेवल पे, वो बड़ा वाजे नज़र आता है। उनके डिसिडेंट्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं, यहाँ कनाडा में मेरे दोस्त हैं चाइनीज़ डिसिडेंट्स, वो रो रहे हैं।
लेकिन चाइना उल्टा दूसरे मुल्कों के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करता है। हमारे कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया की मिसालें आपके सामने हैं, अमेरिका में जो कुछ चाइना की लॉबिंग होती है वो आपके सामने है, भारत में जो आप नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ से लेके इवन मैं तो फार्मर्स प्रोटेस्ट तक आता हूँ, चाइना तो हर जगह इन्वॉल्व है, तो हम उनके यहाँ क्या खड़ा करेंगे? पहले तो ये हमें बताइए कि हम जो वो खड़ा कर रहा है उस खड़ा को कैसे रोक सकते हैं? उसको आप नहीं रोक सकते, उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका था सब, क्या चाइना के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। क्योंकि देखिए हम लोग क्या, अभी हम डिफेंसिव खेल रहे हैं सब, अभी जो भी चाइना कर रहा है हम कह रहे हैं अच्छा चाइना ने कर दिया है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। फिर हमने एक चीज सॉल्व करी मिजोरम में, जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, आपने मिजोरम का सॉल्व कर दिया, मिजोरम नेशनल पार्टी थी, लालटेंगा था उसका चीफ, वो आप उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, आपने एक सॉल्व करा, उसने मणिपुर में शुरू कर दिया, मणिपुर का स्टेबल हुआ, उसने नागालैंड में एनएससीएन खड़ा कर दिया, इधर खड़ा हुआ उसने त्रिपुरा में, वो कुछ ना कुछ तो करता रहेगा चाइना। ये सब जो आपके नक्सल हैं जो पूरे रेड कॉरिडोर में हैं, इनको इनको वेपन सप्लाई कहां से हो रहे हैं सब, इनको ये लोग कहां से ये पाते हैं अपना आइडियोलॉजिकल, ये सब तो माओइस्ट है, ये तो चाइनीज एजेंट्स हैं सबके सब, और कहते भी ये लोग बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अपना यू नो इस तरह लीडर मानते हैं इस मामले में, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप वहीं से मिलती है हमको। कहने की बात यह था साहब कि ये हम लोग जो कह रहे हैं ना अपने अंदर कैसे ठीक करेंगे, आपने बोला हमें अंदर ठीक नहीं करना, आपको चाइना के अंदर का बर्बाद करना है, अंदर अपना ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये रावण के जो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, रावण रावण की ना नाभि में वार करना है, रावण के आप सर काटते रहेंगे तो उसके सर पैदा होते रहेंगे, तैर सब आप हजार बार सर काटेंगे उसके हजार बार सर उगते रहेंगे। लेकिन जैसे लंका में विभीषण था वैसे चाइना में भी विभीषण है, चाइना में भी ऐसे लोग हैं जो उस रावण से, शी जिनपिंग से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परेशान हैं। आप देखिए उसकी चाबी चाइना का विभीषण है, चाबी वही है, जिस दिन चाइना के अंदर आपने चोट पहुंचाई ये सब नॉर्थ ईस्ट वॉर्थ ईस्ट वाला मामला ये सब सेटल होता आपको दिख जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तैयार सब विथ योर परमिशन, ये जितने भी ये शेर ए कश्मीर था ना शेख अब्दुल्ला, ये बड़ी शेख अब्दुल्ला की बड़ी चीजें होती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं कश्मीर का, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था ये, बाद में तो चीफ मिनिस्टर बना है, ये प्राइम मिनिस्टर था तो ये बड़ा इसमें ये था कि हम ये कर देंगे पाकिस्तान के साथ, ये बड़ा खुल के बोलता था, और इंडिया भी बड़ा किड ग्लव्स के साथ, इंडिया की आदत ही है ना सबको प्यार से पुचकार के कोशिश करो। 1971 की जब पाकिस्तान जंग हारा और पाकिस्तान दो लख दो टुकड़े हुए पाकिस्तान के, वही शेख अब्दुल्ला जो इतना चिल्लाता था इसने अपना सर नीचे करा और चुपचाप जो इंडिया ने बोला इसने एक्सेप्ट करा, क्योंकि जहां से इसको सपोर्ट मिलता था आपने वो नस काट दी, ये कमजोर पड़ गए ना, जैसे कहते हैं ना जादूगर की जान तोते में होती है, आपने सुना होगा कहानियां वो बचपन में सुनते थे जादूगर की जान तोते में होती है, वैसे ही अब आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, जब से 370-35 से हटाया आपने हुर्रियत का नाम सुना ताहिर साहब, तब से जो हुर्रियत हर हफ्ते जो हड़ताल के कैलेंडर करती थी वो कहां कहां चली गई साहब, वो सैयद अली शाह गिलानी कहां चला गया, गायब हो गया सैयद अली शाह गिलानी, इज गॉन गायब। उसी उसी तरीके से वही प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप चाइना के अंदर वार करेंगे उसके जो चाइना जिस चीज से खौफ खाता है कि डेमोक्रेसी कहीं ना आ जाए, लोग बोलना ना शुरू कर दें, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में जो चाइना प्रॉब्लम कर रहा है उसका हल तभी होगा जब हम चाइना के अंदर हम प्रॉब्लम करेंगे, और वही इसका सलूशन है। चाहे कोई आपको इसको ना ताहिर साहब जिसको कहते हैं शुगर कोट करके बड़ा मीठे शब्दों में कुछ और करके बताए, पर एंड में रास्ता मेरे हिसाब से तो यही है। हिंदू हिस्ट्री में जो आपने मसाल कोट की रावण के हवाले से वो इतनी बढ़िया है, लेकिन क्या ये हमारी आज की भारतीय जो सरकार है या जो भारतीय समाज है अपनी ही हिस्ट्री को गले लगाते हुए उस तरफ आएगा, उस रवायत की उस हिस्ट्री की तरफ आएगा कि हमें दुश्मन को नेस्तो नबूद उनके अंदर जाकर करना है? मैं बताता हूँ ताहिर साहब, थोड़ा सा ना डाइकोटमी है इंडियन थिंकिंग में, एक लार्जर इंडियन माइंड है, एक लार्जर हिंदू माइंड है, और मैं आपको बताता हूं ये थोड़ा सा देर से जागता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ टाइम है स्पेशली अमंग हिंदूज, मैं कहता हूं इंडिया में एंड इवन अमंग अदर रिलीजन्स इन इंडिया, मुस्लिम्स हो कोई भी हो, उनका एक सेंस ऑफ टाइम है कि यू नो हो जाएगा धीरे धीरे, वो हमारा एक एटीट्यूड है, हो जाएगा तो
जैसे टाइम में शायद चाइना देखता है, या जिस टाइम फ्रेम में हिस्ट्री को पाकिस्तान देखता है या अमेरिका देखता है, हम लोग उस टाइम फ्रेम को नहीं देखते। तो क्या ऐसा होगा? जरूर होगा। उसमें समय ज्यादा लगेगा ताहिर साहब, लेकिन किसी ना किसी दिन भारत को ये करना पड़ेगा। और भारत को जब भी कुछ करना पड़ा है ताहिर साहब, भारत ने वो करा है, देर से करा हो बेशक, और भारत कभी हमने तो टाइम पे कभी कुछ करा ही नहीं ना, हम लोग ही ऐसे थोड़े से वी टेक आर ओन टाइम, बट जब भी करा है ताहिर साहब पक्का करा है, पुख्ता करा है। तो मुझे तो, मैं उम्मीद से हूं पूरा, मतलब मैं ना उम्मीद नहीं हूं, मैं पूरा उम्मीद से हूं कि भारत ये करेगा। और एक दिन, जिस दिन भारत ने अपना मन बना लिया, फिर भारत इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। और इतिहास गवाह है, ये वही भारत है जिसने एक्शन लिया था 1971 में, ये कर देंगे जिस दिन इनको समझ में आ गई बात। इनको समझ देर से आती है, हम हिंदुस्तानियों को ना, हमारा थोड़ा सा बल्ब जो है ट्यूबलाइट टाइप का, थोड़ा सा देर से जलता है, लेकिन जिस दिन जलेगा पूरी दुनिया में रोशनी आएगी। ये करेंगे ये लोग, ये जरूर करेंगे। मैं आपसे मुकम्मल सहमत हूं कि रोशनी तो पूरी दुनिया को भारत से ही आएगी, पहले भी भारत से आया करती थी। अगर हम अपनी ओल्डर सिविलाइजेशन में देखें, विजडम, नॉलेज सब भारत से फूटता था। आज भी भारत में विजडम और नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन उसकी ऑनरशिप शायद वो खुद भारतीय नहीं लेते, वो एक अलग बहस है, उस पर आप और मैं किसी दिन और बहस करेंगे। लेकिन जो रीसेंट ये जो चाइनीज़ हुई एक तरह से इंगेजमेंट, अब वो डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, आपने सही कहा कि ये इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, लेकिन जो रीसेंट इंगेजमेंट वाला मामला है पर्टिकुलरली 2020, इसके बारे में भारत के अपोजिशन लीडर्स का भी यही क्लेम है कि जी इस रीसेंट इंगेजमेंट में भी भारत की बहुत सारी जमीन चाइना ने हड़प कर ली। तो ये वाकई रीसेंट एंगेजमेंट में ऐसा हुआ कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ताहिर साहब। ये ना हर चीज में देखिए, हमारे यहां होता है ऐसा, अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन जो है वो पॉजिटिव किरदार प्ले नहीं कर रही, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का डेस्परेशन भी है, और डेस्परेशन इस हद तक है कि कुछ भी बोल दो। मैं आपको बताता हूं, जैसे CAA जब हुआ था, NRC के बारे में बात हुई थी, तो ये भारत में चल रहे थे ना ये सब छोटे मोटे ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, दिल्ली में तो बड़ा हुआ था शाहीन बाग का, अचानक ये खत्म हो गया। अब आप राहुल गांधी जी जो मेन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, वो कहते हैं वो लीडर नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं वही लीडर है, तो मान के चलते हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं सही कह रहे होंगे। राहुल गांधी जी जो हर रोज फार्मर के बारे में ट्वीट करते थे कि किसानों का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, उन्होंने 3-4 दिन से फार्मर के बारे में ट्वीट करा ही नहीं, वो भूल गए फार्मर को। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा कि कुछ दिनों तक ये एंगेजमेंट के ऊपर सियासत चलेगी, ये डिसएंगेजमेंट, माफ कीजिएगा, डिसएंगेजमेंट इसके ऊपर कि जमीन चली गई, राइट। बीच में आपको याद है वो अर्नब गोस्वामी का मामला आया था कि वो बालाकोट के बारे में अर्नब को पता था, वो भी कुछ 72 घंटे तक चला, फिर वो भी मामला ठंडा हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं कि मामला मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसके पहले एक जमाने में बोला था रफेल में चोरी हो गई साहब, कोई कह रहा है 30,000 करोड़ की, कोई कहता है 60,000 करोड़ की, जितने मुंह उतनी बातें। ये बीच में कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपने सियासी मुद्दे। जमीन कुछ नहीं गई है, पर बात यह है कि पहले जमीन गई थी जब कांग्रेस थी, तो बहुत मतलब हद से ज्यादा जमीनें गई हैं चाइना के पास, इन्होंने जाने दी जमीनें, और अब जाके ये बात है कि चाइना अब खुद, अब देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भरोसा मत करिए, राइट, आप मत करिए। अगर आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं है, अमित शाह पे, राजनाथ सिंह जी पे भरोसा नहीं है, मत करिए। लेकिन जो चाइनीज खुद कह रहे हैं कि पीछे हट गए, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं चाइना झूठ बोल रहा है, वो और अंदर आ गया। अब आप तो कुछ फिर कह नहीं सकते ना इनको, आप क्या समझा सकते हैं ऐसे लोगों को? चाइना कह रहा है हम विड्रॉ कर रहे हैं, चाइना खुद कह रहा है कि जी हम विड्रॉ कर रहे हैं, चाइना का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, ये कह रहे नहीं चाइना विड्रॉ नहीं कर रहा है, नहीं विड्रॉ, ये तो अंदर ही आ रहा है और जमीन घेर ली। चाइना कह रहा है यार तुम लोग हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तुम प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हो, क्या क्या। तो यही इनकी बात, ये कभी नहीं सुधरने वाले, ये लोग ऐसी हैं, नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं। और भारत की डेमोक्रेसी बहुत ही वाइब्रेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं गौरव भाई आपको बताऊं, हम कनाडा और अमेरिका में रहते हुए मुझे अब ये मानना पड़ेगा कि हम वो फ्रीडम देखते हैं, यानी अब वो हम फ्रीडम को जिस तरह कहते हैं ना, हसद से देखते हैं, रश्क से देखते हैं कि भारत में खुल के बात हो सकती है, जर्नलिस्ट खुल के बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ी सी बात करें, एक लॉ सूट आता है कहीं ना कहीं से उड़ता हुआ, और वो हज़ारों लाखों डॉलर उस पर लग जाते हैं और बात ही नहीं कर सकते आप। खैर, ये भी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको चाइना और अमेरिका का जो माफ़ कीजिए, चाइना और भारत का जो आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप,
कैसा नज़र आता है, इसी तरह की इंगेजमेंट डिसंगेजमेंट ही चलती रहेंगी, या जिस तरह मोदी जी ने कोशिश की थी कि भाई ये बैठ के ट्रेड भी हो, कुछ हम हमसाए हैं, हम एक दूसरे को बदल नहीं सकते, कुछ हम एक दूसरे को समझें, बड़ी पॉपुलेशन के कंट्रीज़ हैं, मिल के चलें, लेकिन वो तो लगता है फेल हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में कैसा लगता है आपको कि ये रिलेशनशिप कैसा चलेगा दो बड़े हमसायों का? मुझे लगता है कि और खराब होने वाला है ताहिर साहब। पहली चीज, जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, मैंने कई सीनियर ऑफिसर से बात करी है, सर्विंग जनरल से बात करी है, और प्राइवेटली उन जनरल्स ने तो मुझे यही बोला है कि चाइना ने करार तोड़ दिया, चाइना ने भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने बोला था कि एक चाइना बड़ा मुल्क है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, ये जनरल्स ने बोला, सर्विंग जनरल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, कि वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चाइना एज अ कंट्री, बट ये बात भी सच है कि चाइना ने करार तोड़ा है, चाइना ने भरोसा तोड़ा है हमारा, एंड वी विल नेवर ट्रस्ट चाइना अगेन, वी विल नॉट ट्रस्ट चाइना अगेन। हम लोग वी विल ऑलवेज बी ऑन आर गार्ड, नॉट दैट वी वर नॉट ऑन आर गार्ड अर्लियर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले हम कहते थे कि ठीक है, दोस्त है जिसके साथ हमारे कुछ इख्तलाफ आते हैं, हमारे कुछ डिफरेंसेज हैं ओपिनियन के, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि नहीं, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एंड चाइना कोवेट्स आर टेरिटरी, चाइना चाहता है कि हमारी जमीन हथियाए, हम उस सेंस में चाइना को देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम जब तक चाइना, ताहिर साहब, या तो चाइना कुछ कमाल कर दे और चाइना कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे भारत कन्विंस हो जाए, आयरन क्लैड गारंटीज कुछ हो जाए इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड फोरम, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप दोबारा जाएगी और रिपेयर हो पाएगी, जब तक ये नहीं है, क्योंकि अभी अभी मुझे कोई आसार नहीं दिखते। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं भारतीय ओरिजिन के, जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जो चाइना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि उन्होंने अपनी साइंस की फील्ड में चाइना से बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस भी रहा। वो कहते हैं कि मुझे ये शक रहता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की चाइना में हो रही है, हमारे भारत में भी हो रही है, मगर भारत अपने आप को उस पार, यानी वो एट पार, यानी इंग्लिश वाला एट पार नहीं ला पाता, हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस तरह नहीं एक्ट करती साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। वो कहते हैं जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत के स्टूडेंट्स और हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस लेवल पे नहीं आती, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, जो आपके फ्रेंड हैं यूएस में, उनका ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है। पहली बात, उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी गलत नहीं, इट्स 100% करेक्ट। दूसरी चीज है कि ये भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइजेशन है कि अगर हमें कंपीट करना है तो वी हैव टू बी फास्टर एंड वी हैव टू पुट इन मोर मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से शुरू हो चुका है, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, खासतौर से 5G की। हम इस 3-4 महीने के अंदर इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, राइट, और भी कई सारी चीजें मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम चाइना से हो सकता है कि साइंटिफिक आउटपुट में कम है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास है, पहली चीज। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं साहब इसकी साजिश है और ये, हम ये सब नहीं, हम चाइना के पीछे हैं, सही बात है, लेकिन हाँ, हमें पता है हमारा टारगेट क्या है और हम टारगेट के पीछे लग चुके हैं। तो ताहिर साहब, आई कैन अश्योर यू दैट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तो हमारे जो IITs हैं, वी प्रोड्यूस द मोस्ट ब्रिलियंट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, एंड ये IIT के ही बच्चे हैं जो आगे जाके ये ट्विटर फेसबुक चला रहे हैं, जो कौन कौन सी कंपनी से, नाम भी नहीं जानता इनका, ये हमारे IITs के ही बच्चे हैं जो जाके वहां पे कमाल कर रहे हैं, हु मेक आर कंट्री सो प्राउड, एंड नॉट जस्ट IIT, इवन मणिपाल यूनिवर्सिटी और भी हमारे काफी इंजीनियरिंग के जो हैं उसमें कमाल का काम कर रहे हैं। तो उनके साथ प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर कर रही है, उनके साथ काफी लोग पार्टनर कर रहे हैं, एंड नाउ दैट व्हील हैज स्टार्टेड मूविंग इन इंडिया एंड इट इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसके पहले की कोरोना जो वायरस आया था इंडिया में, तो ताहिर साहब हम तो जो किट्स थे कोरोना के वो तो नहीं बनाते थे, शायद हम सैनिटाइजर भी बेकार सा ही कोई बनाते होंगे। तो इंडिया इसमें, क्योंकि इट वाज ऑलवेज चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो चाइना से इंपोर्ट करा, पैसे दिए, चाइना से कंटेनर भर के आया। आप समझ लीजिए कि विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 months, इंडिया हैज बिकम अ लीडिंग इंपोर्टर ऑफ नॉट ओनली कोरोना वायरस किट्स, जो PPE किट्स थे वो, और भी इक्विपमेंट, वैक्सीन। तो अच्छा, ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंडिया में थी। इंडिया का मैं आपको बताता हूं, मैं इंडियन, आपने हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री के बारे में आपने बात करा, तो जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी,
तो इंडिया इज लाइक हनुमान जी ना, हनुमान जी को बताना पड़ता था, हनुमान जी को बोलना पड़ता था कि हे हनुमान जी आप इतने बलवान हैं, आप पहाड़ उठा सकते हैं, तब हनुमान जी को ध्यान आता था, हम बलवानों पहाड़ उठाते थे। तो इंडिया इज लाइक दैट। अभी कोरोना वायरस ने इंडिया को बताया है कि यू नो आप वैक्सीन बना सकते हो, उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई कि 80 देशों को भेज रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो ये फिर वैक्सीन की तो खैर बात थी नहीं, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं होती। तो जब इंडिया को करना होता है, इंडिया ने टाइम एंड अगेन प्रूव करा है, इनको थोड़ा सा अगर पुश इन द राइट डायरेक्शन मिले, जो कि मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा अगर पुश मिले, ताहिर साहब दिस वी हैव इनफ टैलेंट, यू नो वी हैव वर्ल्ड बीटिंग टैलेंट। कोई ये बोले कि सब अमेरिका में ज्यादा टैलेंट है, ये सब नहीं, अमेरिका में तो वी कॉर्पोरेट कंपनीज तो इंडियंस ही ज्यादातर चला रहे हैं। सो इनका थोड़ा सा ये है कि यू नो जस्ट पुश देम इन द राइट डायरेक्शन। अब कोरोना का केस इन पॉइंट, WHO वाले और जितने भी लोग हैं दुनिया के, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है उसका कल बयान आया था कि यू नो अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट, कल उसका भी बयान आया था कि यू नो यू आर दिस थिंग दैट आप प्लीज हमें सो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसरो ऐसा इदारा है विच इज सेंडिंग 100 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो अच्छा हिंदुस्तान ना बड़ी ताहिर साहब बड़ी आप अगली बार इंडिया आए तो प्लीज गिव मी द ऑनर एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग यू। आप आए प्लीज, मेरे लिए ऑनर होगा। तो सर मैं आपको मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, और आपको इतनी मतलब यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग, दिस कंट्री इज सो फैसिनेटिंग कि IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है अंदर जाके, वहां पे बंदा यू नो उसके पास भैंस है, या 3 किलोमीटर पीछे गांव है वहां पे भैंस चला रहा है। यहां पे 21st century की कटिंग एज रिसर्च हो रही है। इंडिया में कुछ नहीं पता किस कोने में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, somebody is inventing something। अभी भी अंदर के गांव चले जाइए, somebody is still living in the 16th, 17th, 18th century। अगर आप छत्तीसगढ़ के गांव में चले जाइए तो वहां पे कई ऐसे ट्राइबल्स हैं जिन्होंने कभी बस देखी भी नहीं, वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि सड़क पे कोई ऐसी गाड़ी, वो अंदर रहते हैं बिल्कुल। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी वो बड़े फास्ट तौर पे आ रही हैं, दे आर ज्वाइनिंग द मेन स्ट्रीम नाउ। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री, और ये अगर सोच लेते हैं, ये दीज पीपल आर वर्ल्ड बीटर्स, मैं इस चीज में कन्विंस्ड हूँ। ये जिस दिन अपना मन बना लेंगे, ये चाइना वाइना ये सबको कोने में लगा के रख देंगे, मैं बता रहा हूँ। इन्होंने करके दिखा दिया अभी कोरोना वायरस के मामले में, इनमें कैपेबिलिटी है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा वो तो जैसे हनुमान जी को बताना पड़ता है ना, तो इंडियंस को भी थोड़ा सा जगाना पड़ता है, देन ये पहाड़ वहाड़ उठा लेते हैं ये लोग फिर उसके बाद। बहुत आपने अच्छी बातें की आज मेजर गौरव भाई, हमने अपना फोकस रखा चाइना और भारत के जो इश्यूज़ हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में भारत जो एक बाकमाल सिविलाइजेशन है, बाकमाल लोगों का देश है, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, आप भी हिस्सा हैं, हम सबको गर्व होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। आखिर में आज के इस टॉक शो में जो कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें जरूर दीजिए। नहीं ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे पास्ट की बात करते हैं ना, हमारे सिविलाइजेशन की बात, तो हमें वहाँ से हम अपने हीरोज कभी ना भूलें। आई थिंक बड़ी बदकिस्मती है हमारे देश की, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारे हीरोज थे, जो हमारे पास्ट में जो हमारे लोग थे, भारत तो उन्हीं लोगों ने बनाया ना जो हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वज चलते आए, तो हम लोग कहीं ना कहीं भारत की जो ये नस्ल है वो अपने पूर्वजों को भूल रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, या फिर और प्रभु श्री राम हैं, या बहुत पुराने पुराने ऐसे हजारों लाखों लोग ऐसे रहे हैं इस देश में, महान संत मुनि महात्मा रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं। तो अगर हम उनको भी याद करें, क्योंकि यू नो दे आर द सोल ऑफ भारत, ये लोग हमारे जिसको कहते हैं कि जो भारत का जो DNA है, दीज पीपल आर द DNA ऑफ इंडिया। तो अगर हम इनकी थोड़ा सा मार्गदर्शन इनसे लें और थोड़ा सा इनसे रहनुमाई लें, तो वी कैन अगेन बिकम अ ग्रेट पावर, बिकॉज दे हैव टॉट अस द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी, दे हैव टॉट अस the ability to use power with great deal of responsibility and to have pride in our civilization। किसी को छोटा मत समझो, किसी को ये मत समझो कि क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है इसलिए मुझसे छोटा है, ऐसा नहीं है, हम सब बराबर हैं, वी आर ऑल दिस थिंग यू नो इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम मैं ये मानता हूं कि इंडिया विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा और बन सकता है, बस थोड़ा सा अगर हम लोग अपने पास से जो हमारा अतीत है, हमारी जो तारीख है, माजी से अगर हम थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले और आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाई। मैं आखिर में अपना यही कमेंट दूंगा कि भारत इस वक्त भी एक इंस्पिरेशन की एक बहुत बड़ी वजह है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया के लोग सिर्फ योगा की बात ही नहीं है, विजडम की बात, टॉलरेंस की बात, डाइवर्सिटी की बात, और उसके साथ साथ जो मोहब्बत और खलूस का मैसेज है वो आज भी भारत से सीखते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि एक बार भारतीयों ने तय कर लिया कि हमने अपनी डायरेक्शन जो है वो अपने नैरेटिव की तरफ भी लगानी है और उन दुश्मनों को भी अंदर से कमज़ोर करना है जो हमें अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।